हरे कृष्ण। कल हमने देखा युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के जन्म के बारे में। कालांतर में जब ये बड़े होने लगे, युधिष्ठिर, भीम और तीनों लगभग एक दूसरे से एक एक साल छोटे हैं। सबसे बड़े युधिष्ठिर उसके एक साल के बाद में, सो क्या होता था, 3 महीने की तपस्या, फिर 9 महीने का गर्भवास, फिर 3 महीने की तपस्या, 9 महीने का गर्भवास, 3 महीने की तपस्या, 9 महीने का गर्भवास, ऐसे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन अवतार। कुछ समय के बाद ये तीनों हुए माद्री अकेली ही रहने लगी। उन्होंने कहा, एक बार बुड्ढों ने देखा, आप बहुत दुखी रहते, उदास रहते हैं, क्यों? तो उस समय माद्री ने अपना हृदय व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हे स्वामी, हमारे पूरे कुल में मेरे जितने पूर्वज स्त्रियां हुई और मेरी जितनी बहनें भी हैं, इवन चचेरी ममेरी सारी कजिन्स जो हैं, सब पुत्रवती हैं, पुत्रीवती हैं, और मैं यहाँ पर, आप तो मेरे साथ एक साथ आ नहीं सकते, लेकिन उसके कारण मुझे बहुत ही संकोच हो रहा है। मैं अब इस बांझत्व को, निपुत्रित तत्व को संभाल नहीं सकते, लेकिन अगर हम एकत्रित आएंगे तो मैं ये भी नहीं चाहती क्योंकि आपका जीवन खतरे में है। मैं आपसे केवल इतना निवेदन करती हूँ कि कुंती ये देवताओं को बुलाने का मंत्र जानती है, क्या वो मेरे लिए उसका उपयोग करेंगी, क्या वो मंत्र मुझे देंगी? तो पंडु ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं जाकर के कुंती से बात करता हूँ, पर निश्चित रूप से कुंती ना नहीं कहेगी। पंडु ने जाकर के कुंती से ये कन्फाइड किया कि मद्री माद्री जो है वो संतान चाहती है। तो कुंती सहर्ष स्वीकार करेगी, हाँ क्यों नहीं। एक उपयुक्त समय पर उन्होंने कहा माद्री से कि आप भी 3 महीने तपस्या कीजिए पहले, और मन में रखिए कि आप किससे वरदान चाहते हैं। माद्री, क्योंकि शी वॉज लिटिल जेलस ऑल्सो कि अरे कुंती हैज 3 सन्स, आई डोंट हैव एनी विपिंग, माद्री ने युक्ति चलाई। माद्री ने सोचा क्यों न ऐसा किया जाए कि एक ही बार में 2 पुत्र हो जाएं, क्योंकि शायद कुंती फिर से अपना मंत्र कभी मेरे साथ शेयर नहीं करेंगी, सो वाई नॉट हैव 2 सन्स इन 1 गो। सो माद्री ने बहुत चालाकी से अश्विनी कुमारों को, अश्विनी कुमार जो कि सेलेस्टियल फिजिशियंस हैं, वो देवताओं के वैद्य हैं, उनको आह्वान करने का निश्चय किया। ये उन्होंने कुंती को बताया नहीं, शी केप्ट इट अ सीक्रेट। जब उपयुक्त 3 महीने के बाद समय आया गर्भधारण का, तो उस समय कुंती और माद्री एकत्रित आए, और कुंती ने बहुत अच्छे से माद्री को बताया कि जिस भी देवता को आप अपने पिता के रूप में या अपने बच्चों के पिता के रूप में चाहते हो, आप उनका आवाहन कीजिए। और कुंती ने माद्री के लिए वो प्रार्थना कही। तो जैसी प्रार्थना पूरी हुई, अश्विनी कुमार आ गए। अश्विनी कुमारों के सुंदर दैदीप्यमान तेज से पूरी वो रूम भर गई। और तब अश्विनी कुमारों ने कहा माद्री से कि आप क्या चाहते हैं? तो माद्री ने कहा, मैं आप में से दोनों से एक एक पुत्र चाहती हूँ। तो अश्विनी कुमार एक एक करके, वो दो हैं, अश्विनी कुमार दो हैं, दो भाई हैं, तो अश्विनी कुमार एक एक करके सूक्ष्म रूप में माद्री के शरीर के अंदर प्रवेश किए और अपने अंश को वहां प्रस्थापित करके बाहर आ गए। और कालांतर में 9 महीने के बाद में जब पुत्र उत्पन्न हुए, माद्री वॉज वेरी वेरी हैप्पी। अश्विनी कुमार ने कहा था कि जो बड़ा होगा वो रूप और सौंदर्य में इतना सुंदर होगा कि देवताओं की सुंदरता भी उसके सामने फीकी पड़ेगी, और जो छोटा होगा वो युद्ध कला और शस्त्रों अस्त्रों के चलाने में इतना निपुण होगा कि देवताओं को भी परास्त कर पाएगा। सो इससे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, नकुल और सहदेव, एंड दे वर वेरी वेरी ब्यूटिफुली ब्लेस्ड। फिर से आकाशवाणी हुई, पुष्प वृष्टि हुई, आकाश से उनका नामकरण हुआ। इनका नाम नकुल और सहदेव रहेगा। नकुल वॉज वेरी ब्यूटिफुल, सहदेव वॉज एक्सपर्ट इन थ्रोइंग एंड वील्डिंग वेपन्स। कुछ समय के बाद में पंडु अपने आप कुंती के पास गए कि एक राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे शक्तियों की आवश्यकता होती है, तो अगर आप और ज्यादा पुत्र नहीं चाहते, मैं रिक्वेस्ट करता हूं माद्री को एक और पुत्र दे दो।
कुंती ने कहा, बिल्कुल नहीं, माद्री ने मेरे साथ छल किया है। जानते हुए कि शायद मैं अगली बार वो मंत्र नहीं दूंगी, उसने दो पुत्र एक ही मंत्र में प्राप्त कर लिए। अगर वो फिर से दो पुत्रों को और मांगेगी तो वो मुझसे आगे चली जाएगी। मैं ये मंत्र फिर से नहीं दूंगी और उसको। तो आपके पांच संतानें हैं, पांच संतानें बहुत अच्छी हैं एंड दे विल रूल वेरी नाइसली। पंडु भी मान गए, ठीक है। सो फिर कुंती, पंडु और माद्री, ये तीनों अपने पांच पुत्रों के साथ में अच्छे से निवास करने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा। महाभारत कथा।